मंदसौर गैंगरेप पीड़ित बच्ची आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश हुई, जहां उसने आरोपियों को पहचान लिया है। बच्ची के साथ उसके माता पिता भी मौजूद थे। मंदसौर में 7 साल की बच्ची से गैंगरेप के मामले में आज आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पीड़ित बच्ची ने आरोपियों को पहचान लिया है। साथ ही बच्ची के माता पिता का बयान भी दर्ज किए गए। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। मंदसौर में 2 आरोपियों ने 7 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया था। बच्ची गंभीर हालत में इंदौर के एम्स अस्पताल में भर्ती थी। बच्ची को कल रात हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, जिसके बाद कोर्ट में उसके बयान लिए गए। कोर्ट में बच्ची और उसके माता पिता सहित 6 गवाहों की पेशी थी। आज 6 गवाह उपस्थित होना थे, 6 ही गवाह उपस्थित थे। 6 में से 3 गवाहों की उपस्थिति हो गई है और गवाही हो चुकी है। तीनों में एक बच्ची का पीड़िता के कथन हुए हैं, उनकी माता का हुआ है, उनके पिताजी का हुआ है। जो घटना हुई है उसका समर्थन किया है साक्षियों ने जी। तीनों का मुख्य परीक्षण प्रति परीक्षण पूरा हो चुका है। 3 गवाह शेष है जो 3 बजे बाद लिए जाएंगे। कुल मिलाकर घटना के बाद जहां पीड़ित बच्ची के हालात के साथ साथ मानसिक स्थिति में सुधार हो रहा है, वहीं उसके दरिंदों की सजा के दिन भी नज़दीक आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, मंदसौर।